नमस्ते दोस्तों, कल मैंने आपको क्रिया की परिभाषा बताई थी। आज मैं आपको क्रिया के भेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्रिया की दो भेदे होती हैं, पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की भी दो भेदे होती है, पहला एकर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे रोहन सोता है, निष्ठा रोती है, रीमा गाती है, निखिल हंसता है। इन वाक्यों में सोता, रोती, गाती तथा हंसता अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म होता है तथा क्रिया के फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे राहुल पुस्तक पढ़ता है, विशाल अखबार पढ़ता है, संगीत की अध्यापिका गीत गाती है, सुमन तबला बजाती है। उपयुक्त उदाहरणों में पुस्तक, अखबार, गीत, तबला सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाओं में कभी एक एक कर्म रहता है तो कभी दो कर्म। इस आधार पर सकर्मक क्रिया की दो प्रकार होती है, पहला एकर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। किरण भोजन देती है, इसमें भोजन सिर्फ एक कर्म है, लेकिन द्विकर्मक क्रिया में किरण सुमन को भोजन देती है, इसमें सुमन भी एक कर्म है और भोजन भी एक कर्म है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए अब मैं आपको क्रिया की सबसे महत्वपूर्ण अंश के बारे में बताने जा रहा हूँ। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए छात्रों को वाक्य में क्या, किसको आदि का प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। उदाहरण के लिए राहुल पुस्तक पढ़ता है, इसमें प्रश्न कीजिए राहुल क्या पढ़ता है, राहुल पुस्तक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण लीजिए, रोहन सोता है, रोहन क्या सोता है, रोहन, इसमें उत्तर नहीं आएगा इसीलिए अकर्मक क्रिया है, इसमें उत्तर आएगा इसीलिए सकर्मक क्रिया है। अगली कक्षा में हम संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद पढ़ेंगे। नमस्कार, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।